नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया। प्रदेश के अंदर दो जनसभाओं को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी अब रैलियों के बजाय रथ यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने का प्लान बना रहे। राहुल गांधी सोमवार को अंबाला से अपनी विजय संकल्प यात्रा को शुरू करेंगे और राहुल की यात्रा के रूट प्लान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अपने दुर्गा को और मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। साथ ही इस यात्रा को कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की भी स्ट्रेटजी माना जा रहा। इसलिए चुनाव प्रचार थमने से पहले राहुल ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पहुंचने के लिए ही ये यात्रा का रास्ता अपनाया। राहुल गांधी ने करनाल के असंध सीट से हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज किया है और उसके बाद हिसार के बरवाला में जनसभा को संबोधित भी किया था। इसी तरह राहुल गांधी ने अपनी दो रैलियों के जरिए हरियाणा की बेहद अहम माने जाने वाली जीटी बेल्ट को साधने की कोशिश की है और जीटी बेल्ट का इलाका भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाता है, तो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा माना जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने जीटी बेल्ट वाले इलाके के अंदर रथ यात्रा करने के कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की स्ट्रेटजी को अपनाया। इस तरह हरियाणा के अंदर कांग्रेस जहां जहां पर कमजोर दिखाई दे रही है वहां वहां पर राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को अंबाला के नारायणगढ़ में रैली को संबोधित कर रथ से रवाना होंगे और इसी के बाद बिलासपुर रोड और सदौरा होते हुए यमुनानगर के अंदर भी पहुंचेंगे। यमुनानगर और अंबाला के बाद वो साहा और फिर कुरुक्षेत्र जिले का दौरा करेंगे और राजीव चौक और साहा के साथ अंबाला में स्वागत का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसके बाद शाहिद उधम सिंह चौक और कुरुक्षेत्र में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है और लाड़वा कुरुक्षेत्र के अंदर भी स्वागत कार्यक्रम रखा गया। पीपली चौक की बात की जाए तो वहां पर कुरुक्षेत्र में स्वागत होगा और जनसभा को संबोधित करेंगे। सेक्टर 10 यानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर जनसभा होगी और राहुल गांधी वहां पर भी लोगों से मुखातिब होंगे। लाड़वारा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर राहुल और प्रियंका दोनों ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दरअसल राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के अंदर रात्रि विश्राम करेंगे और फिर दूसरे दिन अपनी यात्रा का आगाज करने वाले। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ रहेंगे और राहुल और प्रियंका अगले 4 दिनों तक हरियाणा की सियासी रण में अपनी यात्रा के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम लगातार करेंगे। यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत इलाकों में पकड़ बनाए रखने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के किले को भेदने की भी तैयारियां की जा रही। राहुल गांधी की अब 3 अक्टूबर की शाम तक हरियाणा के करीब 50 विधानसभा सीटों को कवर करने की रणनीति है और कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हरियाणा में रथ यात्रा को रोडमैप ऐसा तैयार किया है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के किले को भेदा जा सकता है। जाटलैंड में कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, लेकिन जीटी बेल्ट और रिहावर इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ नहीं मानी जा रही। तो वहीं पर पश्चिमी हरियाणा के अंदर जेजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और जेजेपी का असर 2019 की तरह नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीटी बेल्ट और एहरावल के अंदर अपनी पकड़ को बनाए रखा। इसीलिए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग के अंदर उतरकर चुनौती देना और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का दावा और दाव दोनों चल दिए। राहुल गांधी अपनी यात्रा के पहले दिन 6 बेहद अहम विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे और राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत अंबाला नारायणगढ़ में सभा के साथ होगी और इसके बाद यमुनानगर होते हुए मौलाना पहुंचेंगे। आपको ये भी बताएं कि जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद शाहबाद और लाड़वा होते हुए कुरुक्षेत्र जाएंगे। लाड़वा सीट से सीएम नायाब सिंह सैनी खुद मैदान में उतरे हुए हैं और यहाँ उन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह से कड़ी टक्कर मिलने वाली। ऐसे में कांग्रेस को ये उम्मीद है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये रथ यात्रा किसी भी तरह कांग्रेस पार्टी को लेकर एक माहौल बनाएगी, जैसे क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी की जाती है और अपनी टीम को जिताया जाता है। राहुल गांधी ने इससे पहले गुरुवार को असंध और बरवाहा के अंदर अपनी 2 रैलियों से 17 विधानसभा क्षेत्रों को साधने का दावा किया है और दाव चल दिया। करनाल, पानीपत और सफीदो सीट की बात की जाए तो कुल 10 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और हिसार की 7 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 3 जेजेपी ने जीती थी। जेजेपी विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे और ऐसे में कुल 17 सीटों में से 4 के पास कांग्रेस के पास रह गई थी।
नीलू खेड़ी के निर्दलीय विधायक अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अंबाला से कुरुक्षेत्र तक सीटों को साधने के लिए राहुल गांधी के साथ उतरे हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों के अंदर ताबड़तोड़ प्रचार के लिए भाई बहन की जोड़ी अगले 4 दिनों तक चुनावी समर में उतरी हुई है और सोमवार को दोनों नेता 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की विधानसभा पर प्रचार करते नजर आएंगे। कांग्रेस ने अभी केवल 1 दिन का ही शेड्यूल जारी किया है और ऐसे ही मंगलवार और बुधवार के कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार कर लिया गया, जिसकी घोषणा शाम तक की जाएगी और राहुल और प्रियंका के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयबान और कुमारी शैलजा भी शामिल होंगे। 2019 के चुनाव में नारायणगढ़ और सातहौड़ा और लाडवा का और मोलाहना के अंदर कांग्रेस को जीत मिल गई थी और पहले से ही यहां पर पार्टी काफ़ी मजबूत रही, इसलिए यहां से रथ यात्रा निकालने का मकसद है और इन सीटों पर पार्टी और मजबूत हो और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा जा सके। आइए जानते हैं कि आखिर हरियाणा का समीकरण क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र के अंदर रैली कर हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज किया था, इसीलिए कुरुक्षेत्र अपने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस के लिए निभाता है क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही कब्जा है। जीटी बेल्ट इलाके के अंदर पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल के साथ पानीपत और कैथल जिले आते हैं। इस इलाके के अंदर कुल 27 विधानसभा सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी इस इलाके की बदौलत 2014 और 2019 में सरकार बनाने में कामयाब रही। जीटी बेल्ट इलाके की 27 में से 14 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और कांग्रेस के पास सिर्फ 9 सीटें। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी की जनसभाएं तैयार की गई हैं और माना यह भी जा रहा है कि इस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दक्षिण हरियाणा, जिसे अरावल बेल्ट माना जाता है, वहां पर भी रैलियां करने की रणनीतियां चल रही हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाए और सरकार बनाने में भी कामयाब हो पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी हर एक बड़ी खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।